हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाएंगे 1.5 केजी का चॉकलेट केक। उसके लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं चॉकलेट क्रीम। चॉकलेट क्रीम बनाने के लिए आपके पास चॉकलेट गनाश होना चाहिए या ट्रफल होना चाहिए, जो एक ही चीज़ है वैसे तो। चाहे तो आप 1:1 बना लेना, 1:1.5 या 1:2, जैसा भी हो वो बना सकते हो आप। और अपनी जो वनीला विप क्रीम है उसमें आपको ये मिला लेना है। याद रहे कि आपका जो गनाश है वो ठंडा हो, अगर गर्म होगा तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारे स्पॉन्ज। 3 स्पॉन्ज है मेरे पास और 6 इंच के मोल्ड में बने हुए हैं 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से। ठीक है, लेयरिंग कर देते हैं। अब चॉकलेट क्रीम इसके बीच में लगा रहे हैं। चाहे तो आप थोड़ी ज़्यादा लगा लेना, कम लगा लेना, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से क्रीम यूज़ करनी है। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलती रहे, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी कोई भी डिटेल मिस ना हो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जो हम बातें करते हैं वीडियो के बीच में। तो क्रम कोट कर दिया है अच्छी तरीके से, और ये जो डिज़ाइन है इतना सिंपल है कि जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार केक बना रहे हैं ना, अगर उन्हें स्पॉन्ज बनाना आता है या वो सीख चुके हैं तो वो इजीली बना पाएंगे। और स्पॉन्ज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, चॉकलेट गार्निशेस की है, बहुत तरह की वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, 300 से ऊपर वीडियोस हैं। एक बार आप देखोगे तो आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। तो जो थंबनेल पे मैंने लिखा था ₹50 का, मतलब ये था कि हम यूज़ जो कर रहे हैं वो कटर सिर्फ ₹50 का है। आपके पास कटर होगा तो आपका जो काम है बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर कटर नहीं है तो बना तो सकते हो आप स्टेंसिल से, हम भी बनाते थे पहले, लेकिन काम हमें फास्ट करना है, इजी करना है, इसलिए अच्छे टूल्स और नेसेसरी टूल्स होने चाहिए। इस तरीके से हमने ऊपर ब्रेड नाइफ फंसाया, नीचे पैलेट नाइफ से, देखो दोबारा से दिखाया मैंने आपको, इस तरीके से केक आपका उतर चुका है। फोंडेंट है ये हमारा रेड, आपको इसको अच्छी तरीके से पहले स्ट्रेच करना है। कई बार कंप्लेंट आती है कि आपका फोंडेंट सूख चुका है, बहुत ज़्यादा सूख चुका है, तो उसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल के अच्छी तरीके से नीड कर ले, थोड़ा पानी में ला के देख ले, माइक्रो मार के भी देख सकते हो। पर कोशिश ये करें कि आपका जो फोंडेंट है हमेशा प्लास्टिक के अंदर रहे तो वो ख़राब नहीं होता है। जैसे जैसे एयर के कांटेक्ट में आता रहता है, पुराना होता रहता है, वो ड्राई होता रहता है। ठीक है, अगर आपका फोंडेंट ज़्यादा सूखा नहीं है, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, केक टॉपर वगैरह बनाना है, तो आप उसमें CMC पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका जो फोंडेंट है वो ड्राई होने में हेल्प होती है और हार्ड होने में हेल्प होती है। देखो कितना इजी है और किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर डस्ट करके मैंने अच्छी तरीके से स्क्रैप किया, मतलब कटर को दबाया और फिर इसको अच्छी तरीके से, और फिर ये निकल के आ गई हमारी कार। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप करोगे तो ईजिली हो जाता है आपका ये सारा काम बहुत जल्दी। तो एक कार मैंने आपको बना के दिखाई थी, अब ये हमारे पास है 5 गाड़ियाँ। काश मेरे पास भी होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो पॉल्यूशन से हम अभी बचा रहे हैं अपने देश को। ठीक है, ठीक है, कार के टायर्स बना लिए हैं आपने। देखो मोल्ड होने की वजह से कितना काम आपका इजी हो जाता है। जो पहले हम स्टेंसिल से बनाते थे कार्स, उसमें फिनिशिंग देने में, कटर से कट करने के बाद फिनिश करना, उसको अच्छी तरीके से विंडो वगैरह बनाने में बहुत टाइम जाता था। लेकिन अब मोल्ड आने की वजह से देखो कितना ईजी हो चुका है काम। ठीक है, वाटर लगाएंगे और वाटर लगा के चिपका देंगे। आप चाहे तो ग्लू बना सकते हैं, थोड़ा सा CMC पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो आपकी ग्लू भी बन जाएगी। तो फाइनल केक ये ऐसा है, गोल्डन बॉल्स है और ये ब्लू कलर की व्हिपिंग क्रीम की नॉर्मल ड्रॉप्स है। मैंने वीडियो तो बनाई थी लेकिन कैमरा ऑन करना ही भूल गया था उस टाइम में, फिर बाद में याद आई है। तो कई बार मेरे से ये गड़बड़ हो जाती है वीडियो बनाते बनाते, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। बट देखिए नॉर्मल है वैसे तो, 3 नंबर की गोल्डन बॉल्स हैं और ब्लू ड्रॉप्स हैं। ठीक है, ये है फोंडेंट की पट्टी, इसको अभी मैंने इरेगुलर शेप में ही कर रखा है, बाकी कट इसे हम तब करेंगे जब हमारा पूरा ये लिख जाएगा। तो नॉर्मल जो अपना ये क्या कहते हैं इस ब्रश है, जेल कलर से मैं लिख रहा हूँ। तो हैप्पी बर्थडे तपस मैंने देखो किस हिसाब से लिखा है, अच्छा अच्छा और स्क्रैपर हो या नाइफ हो जिससे एक बारी में आपका फोंडेंट कट जाए वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि फिर क्या होता है, नहीं तो अगर आप कटर वगैरह से खींचते हो ना तो फोंडेंट टेढ़ा हो जाता है। तो इसको भी यहाँ चिपका लेते हैं और आपका ब्यूटीफुल सा केक डन। अच्छा ट्विस्ट ये था कि यहाँ तक तो एक केक डन हो चुका था कि आप बस 7 नंबर लगाना है, लेकिन कस्टमर का लास्ट मोमेंट पे कॉल आया कि 2-3 स्टार्स और लगा देना। तो फाइनली हमने फोंडेंट के स्टार्स लगाए
और ऊपर लगा दिए। फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश लगाए हैं और केक को अब हम पिकअप कराने जा रहे हैं। ज़्यादा देर ये फ्रीज में रहेगा नहीं क्योंकि फिर स्वेटिंग की वजह से फोंडेंट मेल्ट होने लगेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।